Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. Hello friends, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस वीडियो के लिए बहुत बार लोगों ने पूछा, सो फाइनली मैं बना रहा हूँ। HGP स्टैंड्स फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब सबसे पहली बात, जीनोम का मतलब क्या होता है? सो लॉजिकली आप ये कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब अगर ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है तो उसके 23 क्रोमोसोम्स में जितना जीन होगा वो टोटल जीन को जब आप एक साथ रख देते हो उसे हम जीनोम कहते हैं। जब आप सेल्स की बात करोगे तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो एक बात याद रखो, उसमें सिर्फ एक ही डीएनए होता है, तो उसे हम कह सकते हैं उसके पास सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल डीएनए वन सेट ऑफ जीन होता है। मतलब प्रोकैरियोट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। यूकैरियोटिक सेल सब में डबल क्रोमोसोम होगा, टू सेट में 2n, मतलब उनके पास टू सेट ऑफ जीन होगा। सो लॉजिकली जो एक सेट है उसे आप n कह दोगे और दो सेट वाले को आप 2n कह दोगे। सवाल ये उठता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किसने किया? तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम आएंगे। सबसे पहला जेम्स वॉटसन ने इसे स्टार्ट किया था 1990 में, लेकिन आगे चल के इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया कॉलिन नाम के एक साइंटिस्ट ने समवेयर अराउंड 1993 में। अब सवाल ये आया, नेक्स्ट पार्ट, इन विच ईयर इट वॉज स्टार्टेड? सो 1900 में स्टार्ट किया गया। स्टार्ट किसने किया? तो हम कह सकते हैं US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने मिल के बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। फंडिंग्स जो प्रोजेक्ट के लिए आए वो कहाँ से आए थे? तो वेलकम ट्रस्ट UK, कुछ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस प्रोजेक्ट में जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी और बहुत सारी कंट्रीज से जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अपना कुछ गोल था। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पर वैल्यूएबल है। सबसे पहला गोल उनका ये था टू मैप ऑल दी ह्यूमन जीन, मतलब हमारे जीनोम में कितने भी जीन्स हैं उन सबको मैप करना। दूसरा उनका गोल था टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट, मतलब कितना जीन हो सकता है एक ह्यूमन के जीनोम में, वो पता करना था। दूसरा उनको डिटरमाइन करना था कि कितना न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है हमारे जीनोम में, या उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता करना इन ऑल दी 24 क्रोमोसोम। जो चौथा गोल था वो क्या था? टू कंस्ट्रक्ट अ डिटेल्ड फिजिकल मैप और जेनेटिक लिंकेज मैप। तो ये चार जो है उनके गोल बने। पहले जान मैपिंग कर लो सारे जीन की, पता कर लो कितने नंबर ऑफ जीन्स है, सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लो और एक फिजिकल और जेनेटिक मैप को कंस्ट्रक्ट करो, ये इनका गोल था। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये था कि जो भी डेटा आपको मिलेगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास एक डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी था। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये इम्प्रूव कर रहा था टूल्स का फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज हो सकते थे, तो इनका गोल ये भी था कि एड्रेस करो एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको LC कह रहे हैं, ELSI, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज को। अब जब गोल सेट हो गया तो इसका एस्टिमेट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था तो उसका एस्टिमेट क्या था? सबसे पहला एस्टिमेट कि यह 15 ईयर्स प्लान था, मतलब 1990 में स्टार्ट हुआ तो 15 साल के बाद या उसके अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने अजम्पशन लिया कि हो सकता है ह्यूमन जीनोम में 80,000 टू 1 लाख जीन्स प्रेजेंट होंगे, अंदाज़ा लेके चल रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स का अंदाज़ा लगाया अप्रॉक्सीमेटली वो 3 बिलियन बेस पेयर था, मतलब 3×10⁻⁹ बेस पेयर। अब जो रियलिटी थी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद, उनको ये पता चला कि टोटल नंबर ऑफ जीन जो है वो 80,000 टू 1 लाख तो नहीं है, तो कितना जीन प्रेजेंट है? हम कहते हैं 20,000 टू 25,000 जीन्स प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम में। और ये प्रोजेक्ट जो है 15 साल के पहले ही कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003
3 में, समय से 2 साल पहले। ये हकीकत की बात हुई। नेक्स्ट पार्ट जो अपने को समझना है वो है ब्लूप्रिंट। एक कॉमन वर्ड है, इसका डेफिनेशन आपको आना जरूरी है। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम इज कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट। पूरा का पूरा जीनोम का जब सीक्वेंस आपको मिलता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ब्लूप्रिंट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे फंडिंग्स इन्वॉल्व हैं। अब थोड़ा सा फन फैक्ट देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर के। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि एक बेस पेयर या एक बेस की कीमत जो है $3 है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको सीक्वेंस करना हुआ तो $3 का कॉस्ट लगेगा एक बेस के लिए। 3 बिलियन बेस पेयर का मतलब ये हो गया कि टोटल बेस पेयर कितने हो गए? $9 बिलियन का। तो $9 बिलियन कॉस्ट होगा इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। दूसरा, अगर इस सारे के सारे इंफॉर्मेशन को आप बुक में कन्वर्ट करते हो और एक पेज पे मान लो 1000 लेटर्स आते हैं मिनिमम, और जो है एक बुक जो है आप 1000 पेज की बनाते हो, तो इस सारे जीनोम के डेटा को रखने के लिए हमें कम से कम 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सोचिए अगर हम इसको हार्ड कॉपी में करते तो कितना भारी पड़ता था। HGP जो है ये न्यू एरिया आया रिसर्च का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से, एक नया ब्रांच जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और डेटा को मेंटेन किया जाता है, इवॉल्व हुआ और इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है। अब सवाल ये उठता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए उन्होंने कौन से मेथडोलॉजी का यूज़ किया गया। यहाँ पर 2 मेथड्स का यूज़ किया गया था, 2 मेजर अप्रोच हम कह सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर अप्रोच था उसे कहते हैं आइडेंटिफाई ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। मतलब हमें यह पता है कि mRNA जो है वो सब फंक्शनल जीन्स ही होंगे उसमें, तो जो एक्सप्रेस हो रहा है उसको EST कहते हैं। वॉट इज EST? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। यहां पर क्या सिर्फ mRNA का सीक्वेंस आप जान लो, जो जंग DNA उसकी जरूरत हमें जानने की नहीं है। दूसरा मेथड ये था, ये ब्लाइंड अप्रोच था मेथड का, जहां पे आप पूरे के पूरे DNA को लो और उसको सीक्वेंसिंग करते रहो, जो करना मतलब बहुत ज्यादा टाइम और टीडियस प्रोसेस था, क्योंकि यहां पर जो है ना सीक्वेंस एनोटेशन करना जरूरी था। ये सीक्वेंस एनोटेशन कैसे करना है? बड़ा DNA का जो फ्रेगमेंट है उसको आप ब्रेक कर लो छोटे छोटे DNA के फ्रेगमेंट्स में, और एक बार वो छोटे छोटे DNA फ्रेगमेंट्स हो गए तो आप क्या करो, उसको क्लोन कर लो एक वेक्टर में। अब वेक्टर क्या यूज हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वक्त मैं आपको बताता हूँ, और उस वेक्टर को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर लो। जब मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी आप उसका आराम से सीक्वेंस जान सकते हो। होस्ट जो यूज किया गया था फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो था बैक्टीरिया और यीस्ट, और उनके लिए सुटेबल वेक्टर क्या था? तो अगर बैक्टीरिया है तो वेक्टर होगा BAC, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ईस्ट का अगर आपने यूज किया तो वहां पे जो वेक्टर होगा वो होगा YAC, दैट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इस तरीके से आप यैक या तो बैक को यूज करोगे एज अ वेक्टर। अब जो सीक्वेंस उनको मिला, सीक्वेंसिंग करने के लिए कौन सा मेथडोलॉजी का यूज किया गया? सबसे पहला एक मेथड है जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग, जिसे फ्रेडरिक सैंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने मशीन और टेक्निक को डिजाइन किया था, वो उससे आप पूरे के पूरे DNA को सीक्वेंस आराम से कर सकते हो। फ्रेडरिक सैंगर्स के नाम एक और रिकग्निशन और अचीवमेंट है कि इन्होंने जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस थे प्रोटीन्स के वो भी डिटरमाइन किए थे। ये एक मेथड है। और दूसरा जो है बेसिकली क्या होता था, DNA जो है बहुत ही ज़्यादा पतला है तो वहाँ पे बहुत सीक्वेंस आपस में ओवरलैप कर जाते थे। अब उस ओवरलैप सीक्वेंस फ्रेगमेंट को खोलना, उसे स्ट्रेट एक लाइन में लाना इंसान के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा आपस में कॉइल्ड थे कि उन्हें सुलझा पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए इसको सीक्वेंस करने के लिए ये एक अलग कंप्यूटर बेस्ड मेथड का यूज़ किया गया, और जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम यूज़ किया गया था वो प्रोवाइड किया था हमें कैरी म्यूलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने। कैरी म्यूलिस जो फादर है PCR के, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR का इन्वेंशन की वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो पाया था। सबसे बड़ी बात, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, उसका सीक्वेंस एकदम लास्ट में कंप्लीट हुआ था May 2006 में। 22 ऑटोसोम्स, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, इन सब का सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुआ था 2003 तक। सिर्फ क्रोमोसोम 1 को ज़्यादा टाइम लग गया था।
अब यहां पे सबसे लास्ट क्रोमोसोम जो सीक्वेंस हुआ था वो था वाई क्रोमोसोम। अब मैप जो क्रिएट किए गए थे, सो ये जो मैप क्रिएट हुआ था वो इंफॉर्मेशन जो हमें मिले सीक्वेंसिंग के दौरान, जब पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट हुआ जो सीक्वेंसिंग के दौरान हमें मिला उसमें हमने मैप बनाया। अब मैप क्या इंफॉर्मेशन हमने यूज किया होगा, हमने रेन का यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का यूज किया, रिकॉग्निशन साइट्स का यूज किया, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस का यूज किया, कौन सा डीएनए सीक्वेंस कितने बार रिपीट हो रहा है, और जो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस था उनको हमने माइक्रो सैटेलाइट कहा था क्योंकि ये 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पे बार बार रिपीट हो रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा फन फैक्ट जान लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो एवरेज जीन हमें मिला था वो मिनिमम 3000 बेसिस का था। सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन, और जो डिस्ट्रोफिन है ये 2.4 मिलियन बेसिस का है, बहुत बड़ा। और तीसरा जो है आपको ये समझना पड़ेगा, 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हर ह्यूमन बीइंग का सेम है, सिर्फ 0.1% का डिफरेंस होता है, और उसी 0.1% को हम VNTRs भी कहते हैं। 50% ऑफ द जीन हम सब का फंक्शंस हमें पता ही नहीं है कि क्या फंक्शन करता है। लेस देन 2% ऑफ द जीन्स जीनोम का हम कह सकते हैं प्रोटीन्स के लिए कोड करता है। अब आप समझ सकते हैं 98% कोई कोडिंग नहीं करता। क्रोमोसोम 1 जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है उसमें कितना, 2968, और क्रोमोसोम Y जो है सबसे कम जीन उसमें प्रेजेंट है कितना, 231। ये सारे जीन्स के नंबर्स हैं जो शायद MCQs में आ सकते हैं। देयर आर समवेयर अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे हैं पूरे जीनोम में जहां पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, आप कह सकते हो सिंगल बेस पेयर डिफरेंस है, जिसको हम SNPs कहते हैं, शॉर्ट में स्निप्स भी कहते हैं, स्निप्स या SNP बोल लो। स्निप क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब 1.4 मिलियन लोकेशन में एक ही न्यूक्लियोटाइड का फर्क है। दो मैप जो क्रिएट किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर के, सबसे पहला मैप था जेनेटिक लिंकेज मैप, और जो दूसरा मैप था उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। सवाल ये उठता है कि जेनेटिक लिंकेज मैप क्या होता है और फिजिकल मैप क्या होता है। जेनेटिक लिंकेज मैप मतलब अरेंजमेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड द मार्कर। मार्कर मतलब एक फिक्स पॉइंट, उससे जीन का कितना डिस्टेंस है उसका एक मैप बनाया गया जिसे हम कहते हैं जेनेटिक लिंकेज मैप। दूसरा है फिजिकल मैप, फिजिकल मैप मतलब फिजिकल एक्चुअल लोकेशन ऑफ द जीन विथ नो फंक्शन, अपने को पता ही नहीं उसका क्या फंक्शन है। तो वो हिसाब से दो मैप क्रिएट किए गए। जब साइंटिस्टों का काम खत्म हो गया तो उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को सीक्वेंस किया। पहला एर्बिडोप्सिस थैलियाना का सीक्वेंस किया, वो प्लांट है। दूसरा सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का सीक्वेंस हमें पता है, दैट इज ईस्ट। कैनोर हेपडाइटिस एलिगेंस, ये एक वर्म है जिसका सीक्वेंस हमें पता है। मस मस्क्यूलस जिसे हम बेसिकली माउस कहते हैं, इसका भी सीक्वेंस हमें पता है। तो ये सीक्वेंसिंग हमने किया। सबसे छोटा जीनोम अगर किसी का है वो है माइकोबैक्टीरियम जेनिटालियम। ये जो बैक्टीरिया है इसके पास 569 किलो बेस पेयर का जीनोम है, स्मॉलेस्ट जीनोम। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस है जिसके पास 1830 किलो बेस पेयर का सीक्वेंस है। मिथेनोकॉकस जनास्ची, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है जिसका जीनोम जो है 1660 किलो बेस पेयर का है। ईस्ट 16 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं और इसका जीनोम कितना है, 12,500 किलो बेस पेयर का। तो इस तरीके से बेसिकली आप समझ सकते हो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितना डिटेल में कंप्लीट किया गया था। और इसका एप्लीकेशन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को एक तो आप पता कर सकते हो, दूसरा जीन थेरेपी टेक्निक से आप उसे ट्रीट कर सकते हो। यह था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, and don't forget to subscribe if you are new to the channel. Thank you very much.